मैं तो आपकी बालक हूँ और ऐसी कोई खास कलाकार नहीं हूँ। कलाकार बैठे हुए मैं तो उनकी जो पैरों की रज हुआ करती है सज्जन उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। पूरा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है और ये मैं आपको विदित करा दूं, हमारे देश में बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए जिन्होंने इस देश की खातिर इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। ऐसा ही एक वीर प्रेमी श्रोताओं शेरनगर का रहने वाला एक बासिंदा आपने टीवी अखबारों में न्यूजों में जरूर देखा होगा, सईद हेमराज जिसके शीश को काट करके वो पाकिस्तानी ले जाते हैं। इसीलिए मैं रागनी आपके समक्ष पेश करूंगी, जैसे ही शहीद हेमराज के शीश को काट करके वो पाकिस्तानी लेके गए, आज कटा हुआ सब हेमराज का जैसी हेमराज के गांव में आता है, पूरा प्रशासन उस गांव में इकट्ठा है, जैसे बिना कटा सब आया, हेमराज की पत्नी धर्मवती ने देखा आंखों में आंसू आ गए, कलेजा फटने लगा। मैं किसी और की क्या कहूं, मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए शहीद हो गया। हम चार बहनें हैं, हमारा कोई सहारा नहीं, लेकिन मुझे मेरे भाई पर गर्व है कि मेरा भाई इस देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन मैं निवेदन ये करूंगी, इस रागनी को आप गौर से सुनिएगा, हेमराज की पत्नी धर्मवती पूरे प्रशासन के आगे केवल एक ही बात कहती है और वो बात है कौन सी सुनिएगा क्या। सरकार तुम्हारी को और जब जानूंगी शीश मंगा दो मेरे बबल में हजारी को देख लियो है जो भाई है, भाई कसम है।
पति की आई है। और कहा क्या बताया, शीश काट के ले गए दुश्मन, लाश पति की आई है। और कहा रह रहे कर मोई याद आए रहो, शासन अटल बिहारी को जब जानूंगी शीश मंगा दो मेरे बल में हजारी को, देख लियो चोर निकालो। मंत्री जी सुनिएगा, और गुजारिश क्या करती है दूसरी कड़ी के माध्यम से, क्या बताया, पाकिस्तानी मुसलमान ये खेल घिनौना खेलेंगे, तुम चुप कैसे हमें तक पापड़ बेलेंगे रे, तुम चुप कैसे पापड़ बेलेंगे, वीर शहीदों अमर शहीदों के मरने का गम हम कब तक झेलेंगे, वीर शहीदों कब तक झेलेंगे। और कहा हाय अब जा करके सबक सिखा दो, अब जा करके सबक सिखा दो दुश्मन की गद्दारी को, जब जानूंगी शीश मंगा दो मेरे बल में हजारी, सुनिएगा क्या केवल अपनी बात नहीं मैं बात हिंदी की करती हूँ, मौसी विधवा बहुत भई मैं बिन आप से करती हूँ,
किसी का वीर हृदय में धरती हूँ, ऐसा ना हो कभी किसी का बिन आपसे करती हूँ। और कहा सुनिएगा, समाधान जाने कब होगा। और इसी बीच ये 1100 रुपए का पुरस्कार माननीय हेम सिंह जी बनाना हमारे आशीर्वाद रूप में देते हैं। हमारी इस पार्टी को एक बार तालियों से सम्मान कीजिएगा। लेकिन कहा धर्मवती ने बताया, हाय केवल अपनी बात नहीं, मैं बात हिंदी की करती हूँ, मौसी विधवा बहुत भई मैं बिन आप से करती हूँ, ऐसा ना हो कभी किसी का धीर हृदय में धरती हूँ। और कहा हाय समाधान जाने कब होगा, समाधान जाने कब होगा, इस बेइलाज बीमारी को जब जानूंगी शीश